चाय बेचने वाला तो देश चला रहा है और गाय चराने वाला प्रदेश चला रहा है, और सन 2016 से अब तक मेरी कंपनी में ओवरलोक चलाने वाला लाइन चला रहा है, हैं? तो आप समझ लो किसको वोट देंगे, हैं? आप बोलिए ना, मुंह से बताइए कि हम किसको वोट करेंगे। वोट तो आप समझ में आ जाएगा, अभी हम बोलते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग ऐसा आएगा और हंस चुनेगा दाना तिनका मोती कौआ खाएगा, और छत्री छत्री सड़क पे होंगे शूद्र राज चलाएगा और ब्राह्मण होके वेद न जाने वृथा समय गंवाएगा। ये जो है चाय बेची कि आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। भारत अपना बिछड़ा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया और अपनी कलम से भीमराव ने इसको बुलंद किया, और देश की कुर्सी पर अब ऐसा ठग बैठा जो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। है? कितनी सारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, अभी भी एक योजना नहीं चलाई है, उज्ज्वला योजना, फिर 75 लाख 3 साल में कनेक्शन बांटेंगे। मोदी जी ने घर घर कनेक्शन कर दिया, घर घर कनेक्शन तो कर दे। जब कांग्रेस की सरकार रहती तब 400-500 तक का सिलेंडर मिलता था, अब 1100 का सिलेंडर मिलता है। अब मोदी जी ने 200 रुपया कम करे, तो 200 रुपया कम करे तो 5 प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई कि हमने 200 रुपया कम करे, और जब 600 रुपया ज़्यादा बढ़ाए थे इसमें 500 का सिलेंडर था, अभी 1100 का सिलेंडर हो गया। बीजेपी में सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के टाइम में आपकी सैलरी भी 5000 रुपये थी, आज 10000 रुपये है। कौन कह रहा? हमारा 10000 10 11000 बताओ किन की हेल्पर की है 10000 से ज़्यादा। आप सैलरी 10000 रुपये ही है लेकिन आपको कितनी मिलती है उसको नहीं। और का जब गेहूँ जब महंगाई है रोजगार और भाई और लोग खड़े हैं हमारे पास, और लोग खड़े हैं और पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज तिवारी है। अनुज जी ये बताइए 2024 में आगामी इलेक्शन है, किसको देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को देखेंगे जी। बीजेपी के मुद्दे बताइए क्या ऐसे मुद्दे? हमें सभी कुछ उसका अच्छा लगा, उनसे हमें फायदा 2 रुपये का नहीं है, बाकी हमें उसकी सरकार अच्छी लगी है, बाकी हमें उससे कोई 2 रुपये का फायदा नहीं है। ना मुझे राशन मिलता है क्योंकि मेरे नाम से राशन कार्ड नहीं है, फैमिली है नहीं। राशन कार्ड तो सबको बनाए, आपने क्यों नहीं? नहीं मेरे पास बना हुआ था, लेकिन वो ऑनलाइन जो होता है वो हमारे फैमिली है नहीं, तो इसलिए फैमिली को राशन मिलता है नाम से, मेरी फैमिली नहीं है राशन नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार नाम है। हाँ रविंद्र, क्या कह रहे थे आप? अभी 2024 का हमारा मुद्दा है इलेक्शन, बीजेपी की सरकार है मौजूदा सरकार, आप 2024 में किसको देखना चाहते हैं? हम बीजेपी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में सर झुका के चलना पड़ता था, अभी सर उठा के चलना पड़ता है। छोटा से छोटा देश धमकी दे देता था इंडिया को, आज धमकी दे के दिखाए जो क्या होगा। इसीलिए हम मुद्दा हमारा है इलेक्शन का, हम पूछना चाहते हैं किसकी सरकार देखना चाहिए? मोदी जी की। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ऐसे पहले लोग क्या थे कि घर से निकलते 7:45 करीब में, 8 बजे करीब में, तो यहाँ पर 1-1 घंटे जाम में लगता था, आपको इतना टाइम लगाता है, 0.9 में निकलते 15 मिनट बाद आधी कंपनी पहुंच जाता है, तो फायदा नहीं पहले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमीम बानो अंसारी। अच्छा ये बताइए 2024 में आगामी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में किसको आप वोट करेंगे? मोदी को। क्यों करेंगे? आज सबसे बड़ी बात ये लेडीज को पूरी सुविधा है, रात बिरात बेटी होए औरत होए बूढ़ी होए जवान होए सबको आराम है। भाई देखिए महंगाई तो हर नेता के राज में है, किस नेता के राज में महंगाई नहीं है, और परेशानी हर आदमी के बीच में होती है। इनका सपोर्ट इतना अच्छा है, हम तो कहते हैं इनको हमेशा ही आना चाहिए मोदी को। मैं कानपुर से रहने वाली हूँ, मोदी के आगे कोई नहीं। कौन सी योजना? जनधन योजना से महाराज मेरी बीबी के खाते में हर महीना 500 रुपये आता था। सिलेंडर का तो आपने कहा था, सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया, 500 से सीधा 1100 पहुंच गया। कोई बात नहीं महाराज, आने वाले समय में अगर योगी सरकार रही तो 470 रुपये में मेरा वादा है, अगर ना आ गया सिलेंडर तब आप बताइएगा कि गरीब जनता के लिए कि योगी मोदी कुछ हैं कि नहीं है। पर हाँ यहाँ जितनी जनता खड़ी होगी सबके दिल से ये आवाज़ निकलेगी, सरकार रहे तो योगी मोदी नहीं किसी की ना रहे, जय श्री राम। और पूछना चाहते हैं यहाँ पर किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी नहीं आनी चाहिए? 24 में इलेक्शन है, आप किसको वोट करेंगे? हम लोग तो कर रहे हैं ये योगी मोदी का। क्या ऐसा है योगी मोदी का किसी और की सरकार? हर चीज का हिफाजत है। क्या हिफाजत? आतंकवादी से हिफाजत है, सड़क सही कर दिया है, आपको कृषि लोन दिया है, घर दिया है। कहाँ रहते हैं आप? फ्री राशन दिया आप है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। आपने इस रोड की हालत देखी है? किसकी? जो रोड है ये नीचे उतरते हैं हम, इस रोड की आपने हालत देखी है? कितनी खस्ता है, कितना कीचड़, कितनी गंदगी, कितने खड्डे हो जाते हैं। इससे पहले हम देखे थे जो इधर हम लोग जहाँ जा रहे हैं इधर जाएंगे, इसमें हम लोग जो गिरते थे कम से कम आधा आदमी को जान बचा दिया है।
और 25% आदमी है जो इधर से जाते हैं, मात्र 25%। लेकिन जो 70% आदमी है, 75% रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार में पूरे नहीं हुए हैं। बेरोजगार हैं, धरना देते हैं, मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलिए, रोजगार नहीं है। तो क्या है इसके बारे में? इसलिए क्या बारे की, रोजगार तो पूरा है, देखना हो तो सवेर में आइए, शाम को देखिए, हर जगह है यार। अरे नदी के तरह, हाँ, जिसको काम ही नहीं करना चाहिए, जिसको कागज, एक मिनट, विरोध वही कर रहा है जिसके पास, हाँ, जिसको कागज नहीं है, जो उसको आवास मिलेगा, और विरोध वही कर रहा है जो रिफ्यूजी है, जिसको जो है जो राशन कार्ड नहीं है, और कहता है कि ये खराब है। देख तुम कागज तो बनवाओ, कागज बना दौड़ना पड़ता है ना, पैसा खर्चा, हाँ, पहले आप भागोगे तभी तो आपको प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआ प्यासे, कहता है हमको ये नहीं मिला, हमको कुछ नहीं, अरे तुमको मिला, तुम कागज दोगे, सपोर्ट तो देखो कुछ कि भाई किसको पैसा दे रहे हैं, हम लोग दिए हैं, हर चीज़ मिल रहा है। आपकी राय में बीजेपी सरकार बेस्ट है? हाँ एकदम, आप उसी को लड़ाएंगे? एकदम बेस्ट है। आप एक मिनट, आपसे पूछ रहा था, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह। हाँ संजीव जी, ये बताइए आप 2024 आगामी इलेक्शन में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी का सरकार चाहते हैं। मोदी जी की सरकार में ऐसा क्या बेनिफिट है जो आपको मिला है, जो आप चाहते हैं? सर मोदी जी के सरकार में बहुत सारा बेनिफिट है। आज से 10 साल बैक अगर चले जाइए तो बैंक में अगर कहीं पैसा निकालना होता था तो पूरा दिन हम लोग लाइन में खड़े होते थे, फिर भी पैसा नहीं मिल पाता था। मतलब अपना पैसा निकालने के लिए भी घंटों दो घंटा लाइन में लगना पड़ता था। अभी वही देखिए, कहीं भी आपको कहीं भी जाना, आपके पास एक रुपया नहीं है, फिर भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्या 10 साल पहले ये सुविधा था? डिजिटल पेमेंट मोदी जी, डिजिटल पेमेंट। प्लस अभी लोग कहते हैं कि गैस महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। आज से 10 साल बैक चले जाइए, हम बताते हैं, 420 रुपये का गैस था। उस गैस को लेने के लिए आदमी रात के 2 बजे लाइन में लगता था, और फिर भी वो गैस नहीं मिलता था। ज़रूरी नहीं है कि वो गैस मिल जाएगा आपको 2-3 दिन में। अभी हमको 1000 रुपया में ही गैस मिलता है, या 1100 में मिलता है, कुछ सब्सिडी भी जाता है उसमें, और कहीं जाना नहीं पड़ता। सब्सिडी सिर्फ उज्ज्वला कनेक्शन वालों को है, और जो जनरल नॉर्मल कनेक्शन है उनको सब्सिडी नहीं है। नहीं, तो वो गरीबी, जो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें तो मिलेगा ही। और उज्ज्वला योजना ये नहीं है कि अमीर गरीब देख के तो देता नहीं है, जितने भी लेडीज हैं उनके नाम से उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना के तहत कोई भी ले सकता है। आपके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है? नहीं, मेरे पास नहीं। क्यों नहीं लिया आपने? मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं 10 साल बैक का हूँ, उस टाइम उज्ज्वला योजना था नहीं। तो रिसेंटली 2022 में 21 में खूब कनेक्शन हुए है, लेकिन मेरे पास पहले से है तो मैं लेके क्या करूँगा। 75 लाख कनेक्शन की घोषणा मोदी जी ने की है, जो पिछले हम 3 सालों में, अगले 3 सालों में 75 लाख कनेक्शन फिर देंगे, तो क्या फिर आप उस कनेक्शन को लेंगे? जी जरूर लूँगा। गाँव में मेरा, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गाँव में मेरा वो कांग्रेस के सरकार था उस समय मैंने कनेक्शन लिया था, अभी यहाँ हूँ तो प्राइवेट से लेना पड़ता है, अब यहाँ हूँ तो मैं लूँगा उज्ज्वला योजना। 2024 में बीजेपी को जीता? जी।